कई सारी कॉलोनी को रीडेवलप करने की बातचीत चल रही होती है। तो जब भी ऐसी कॉलोनी को रीडेवलप किया जाता है, फिर बिल्डर आपके फ्लैट को रीडेवलप करता है, तो दो तीन तरह के आपको मुआवजा या फिर रकम मिलती है। उस रकम पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसा हो, इस तरह के कई सारे सवाल हम लोग के पास आते रहते हैं। तो मुकेश पटेल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो हमें रीडेवलपमेंट के नाम पर जो पैसा मिलता है, इसमें एक पैसा होता है जो एक मुश्त मिल जाता है, जिसको हार्डशिप कॉम्पनसेशन कहते हैं, तो इस पर क्या होता है टैक्स का कैलकुलेशन? जी लक्ष्मण जी, ये जो आपने हार्डशिप कॉम्पनसेशन अलाउंस की बात की, जैसे आपने बताया, ये लमसम अमाउंट यू नो दिया जाता है, और इस कारण से जैसे इसका नाम है हार्डशिप, अब जब भी रीडेवलपमेंट होता है तब आप कई सालों से अपने एक फ्लैट में या घर में रह रहे हैं, आपको डिसलोकेट होना पड़ता है क्योंकि रीडेवलपमेंट की एक्टिविटी को हाथ धरा जाएगा। अब उस समय के लिए आपको जो तकलीफ सहन करनी होती है, उसके लिए एक मुआवजा कॉम्पनसेशन के तौर पे जो दिया जाता है, तो इस पर बहुत सारे ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स करदाता की फेवर में हैं, जिसमें ये कहा गया है, डिपार्टमेंट ये कहता था कि इसको टैक्स कर दिया जाना चाहिए, और कोर्ट्स ने ये व्यू लिया है कि ये जो हार्डशिप कॉम्पेंसेशन है, तो ये जो एसेट है, इसकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप गिन नहीं सकते, इसकी खरीद कीमत नहीं होती है कोई। तो ऐसी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सेलिब्रेटेड डिसीजन है बीसी श्रीनिवास सेटी का, उसमें ये कहा गया कि जो एसेट की कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं गिनी जा सकती, तो उसमें कोई टैक्सेबल कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होता है। तो ये सेटल्ड पोजीशन है कि हार्डशिप कॉम्पेंसेशन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा, क्योंकि इट्स अ कैपिटल रिसीट, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बिल्कुल, अगर आपको आपको किसी भी तरह का हार्डशिप कॉम्पनसेशन मिल रहा हो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट करने के नाम पे, आपके फ्लैट या आपकी सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करने के नाम पे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एक और कॉम्पनसेशन मिलता है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट कहते हैं, या फिर हम लोग मंथली रेंटल कॉम्पनसेशन कहते हैं। मान लिया आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ के कहीं आप रहने जा रहे हैं, उसके लिए आपको जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट मिलेगा, सामान ले जाने का खर्चा मिलेगा, और जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं तत्काल अस्थायी तौर पर, उसके लिए रेंटल कॉम्पनसेशन आपको मिलता है। तो इस पर भी क्या मुकेश जी टैक्स नहीं लगेगा कि नहीं, यहाँ अलग मामला है? यहाँ एग्जम्पशन तो आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ नियम ये रहेगा लक्ष्मण जी कि मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 25,000 दिया गया, और आपने एक्चुअल जो खर्च किया है वो 20,000 का है, तो 20,000 आपको एग्जम्प्ट मिलेगा, 5,000 जो आपने खर्च ही नहीं किया, आपकी जेब में गया, उस पर आपको टैक्स भरना होगा। इसी तरह से जो आपको रेंटल देते हैं कॉम्पेंसेशन, तो ये रेंट की अमाउंट, मान लीजिए आप पूरे पूरी यूज करते हैं आपके अस्थाई जो रहवास के लिए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई बचत रह जाती है तो वो बचे हुए अमाउंट पर आपको टैक्स भरना होगा। दिस इज द रूल। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे कि कई बार ऐसा होता है कि रीडेवलपमेंट की बजाय हम फ्लैट आपसे ले लिया, यानी बिल्डर ने फ्लैट आपसे ले लिया और आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी दे दी, दूसरा फ्लैट दे दिया, सेम एरिया का, कोई एडिशनल एरिया नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन का क्या मामला बनता है कि नहीं, यहाँ कोई मामला नहीं बनता है, चूंकि हमने दिया उस ये बहुत बहुत ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है आपका कि मैं मेरा जो फ्लैट है वो सरेंडर करता हूँ, उसके सामने मुझे ये जो नया फ्लैट रीडेवलपमेंट में मिल रहा है वहाँ या बिल्डर की कोई और स्कीम में, तो इसमें कैपिटल गेन तो होता है, बनता है, क्योंकि एक्सचेंज गिना जाएगा तो भी उसके हिसाब से कॉम्प्यूटेशन होगा कैपिटल गेन का। पर आप फायदा ले सकते हैं सेक्शन 54 का, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैं पुराने घर में रह रहा हूं उसके सामने मुझे ये जो नया घर बना के दिया जा रहा है, आप एक घर बेच के दूसरा घर लेते हैं, आप जानते हैं 54 का एग्जम्पशन मिलता है, तो ये 54 का एग्जम्पशन आप इसके दायरे में क्लेम कर सकते हैं, ये भी आपको फायदा रहेगा उसकी कंडीशंस फुलफिल होते हुए। लक्ष्मण जी, तो बिल्कुल
subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.